3 दिसंबर है आज, और मुझे इतनी ज़्यादा पेन हो रहा है, पूरी रात से नहीं सो पाई हूँ और बहुत दिक्कत हो रही है। पूरी रात हो गई बस मैं जग रही हूँ और बहुत अनकम्फर्टेबल लग रहा है। समझ भी नहीं आ रहा है कि मतलब किसी को उठाऊँ या नहीं, अब पता नहीं रियल कॉन्ट्रैक्शन या फॉल्स वाले हो रहा। तो दोस्तों सुबह के एकदम बिल्कुल 5:25 हो रहे हैं और ये रात भर से सोई नहीं है, इनके दर्द उठ रहा है बहुत। ओके, सुबह के बज रहे हैं 9। हाँ है, हाँ आ रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज तारीख है 3 दिसंबर और ये देखिए बुआ बैठी हैं, महिमा बैठी हैं और इनके जो है पेन स्टार्ट हो गया, रात भर इनको नींद नहीं आई है और अब बुआ के साथ जो है वो हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल में। और हाँ, वो प्रियंका दीदी जो है आज चाय बना रही हैं हम लोगों के लिए, चाय बन रही है अब, बस हम लोग चाय पी के जो है वो जाते हैं हॉस्पिटल में। तो चलिए चलते हैं। हम लोग आ तो गए हॉस्पिटल और इनके रास्ते में ही बहुत तेज दर्द हुआ है, मतलब लेवर पेन हो रहा है जबरदस्त वाला। अभी 10 बज रहा है और इनका भी चेकअप हुआ है तो डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी टाइम लगेगा, बेबी बिल्कुल नीचे नहीं आया है, अब इनके दर्द हो रहा है कल रात से ही। डिलीवरी से पहले एक्सरसाइज कर रही हैं ये, बुआ करवा रही हैं। ये फायदा होता है आपकी बुआ के डॉक्टर होने का। तो दोपहर के सवा 1 बज रहा है और ये काफी देर से इंतजार कर रही हैं, लेटी हुई, बार बार दर्द उठ रहा है, फिर बंद हो जा रहा है। अब बुआ है, चेक कर रही हैं। कैसा फील कर रही हो? तो दोस्तों बज रहा है दोपहर के 2:30 और इनके नॉर्मल के लिए रुके थे लेकिन अब वो शायद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो अब इनका सिजेरियन होएगा, है सी सेक्शन होएगा। कोई दिक्कत नहीं, देखो जो सही होता है, जो अच्छा होता है वही सही होता है, ठीक। चलो ठीक है, तो हम लोग अब जा रहे हैं दूसरे हॉस्पिटल जहाँ इनका सी सेक्शन होएगा। चलो बेस्ट ऑफ लक है। हाँ चलिए जा रही हैं, चलो सब अच्छा ही होगा, ठीक है। तो दोस्तों शाम के 4:30 बज गया, सब लोग हम लोग इंतजार कर रहे हैं, अभी डॉक्टर मैम जो है वो नहीं आई हैं और हम तो बहुत नर्वस भी हैं, थोड़ा एक्साइटेड भी हैं, सब लोग जो है इंतजार कर रहे हैं। हाँ सब अच्छा अच्छा हो जाए। हाँ बस
तो नेचुरल रखते हैं, लेकिन जैसा कहा तो दोस्तों बेबी गर्ल हो गई है और अब मैं जो हूँ वो महिमा को लेने जा रहा हूँ। थोड़ा हौच पौच बहुत जल्दबाजी हो गई थी इसलिए ब्लॉग नहीं कर पाया। अब महिमा भी आ गई, उसे भी दिखाते हैं। तो शाम के 6:30 बज गया और महिमा को शिफ्ट कर दिया है। स्माइल कर दो। हम समझ सकते हैं हम लोग ऐसी कंडीशन की क्या है इस समय। चलो कोई नहीं, रात के 10 बज गए और दीदी जो है चाय बना के लाए हैं बढ़िया, लेकिन महिमा तो अभी खा पी नहीं सकती एक दिन तक, और दीदी खाना भी लाई हैं तो चलिए चाय पीते हैं। बुआ बहुत थक गई आज। नहीं बुआ ने मेहनत बहुत करी है, ज्यादा नहीं हम कहाँ। तो गाइस मेरी ऐसी हालत हो गई कि मैंने ब्लॉग करना फिर से स्टार्ट कर दिया है और ये सुबह के बाद सीधे अब खाना खा रहे हैं, दिन का पहला खाना दीदी बना कर लाई है, वही खा रहे हैं। बहुत थक गए तो अभी रख दो, भैया आ गए चेंज वेंज करके खा लेना, ढक के रख दो। है ढकने के लिए नहीं है, सो जाए। सोने का नहीं, बस लेटने का मन है। चलो भैया आ ही रहे होंगे, मेरी तो आंखें पथरा गई हैं। पूरी रात नहीं सोई कल और आज भी ऐसे निकल गया और अब दर्द इतना हो रहा है, स्टिचेस लगे हैं तो अब और नींद नहीं आ रही है। बताइएगा लेबर का भी दर्द और फिर अभी ये भी दर्द डबल डबल। तो चलो भैया आ जाए फिर, ये भी अपना लेट जाएंगे। गाइस बेबी को अभी भी नहीं दिया है, वो कह रहे हैं कि सुबह देंगे। मैं तो सोचे अभी आ जाती तो माइंड मेरा सही हो जाता, खुश भी हो जाती मैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वहाँ पर है। चलो सुबह आ जाएगी फिर खेलेंगे उसके साथ आराम से। सो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं और हमारी क्यूटी पाई हमारे पास अभी नहीं है तो हम आपको अच्छे से उसे नहीं दिखा सकते, तो वो उसके लिए आप कल वाले ब्लॉग में बने रहिएगा और देखिएगा ज़रूर। मेरा थोड़ा हाथ वो हो रहा है तो ये सही कर रहा है। तो फिलहाल कल मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ और ये है इधर। तो कल मिलवाएंगे आपको अपनी शोना परी से। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा और हमारी प्यारी सी गुड़िया को खूब सारी ब्लेसिंग दीजिएगा और बस ऐसे ही चैनल पे बने रहिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।